संसार में अनेक धर्म प्रचलित हैं, उनकी मर्यादाएं भी थोड़ी थोड़ी फर्क हैं, परंतु सब धर्म का उद्देश्य एक ही है कि मानव को सत्कर्म की ओर लगाना, उनकी जिंदगी सुख व शांति से व्यतीत करना व उनमें सतोगुण को बढ़ाना। जब इसमें कमी आ जाती है और मानव धर्म के वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, तब ईश्वर को दया आती है और चूंकि हम लोग उनके पुत्र हैं तो हमें वो मार्गदर्शन करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया था, उनके काम की सहायता के लिए उनके साथ कुछ आत्माएं भी आई थी, उसमें परम पूज्य प्रेमरत छोटे भैया भी आए थे, जिनकी की याद में हम ये पिछली चार मीटिंग से इस आध्यात्मिक सम्मेलन में बैठ रहे हैं। वो पूर्ण संत थे, उनका बचपन गुरु महाराज और जिया माँ की देख रेख में गुजरा, इसमें उनमें सत्संग के पूरे संस्कार आ गए, वो तो पहले से ही पूर्ण थे और उन्होंने अपने आप को पूरी तरह गुरुमुख बना लिया था। उनने अपना कोई विचार नहीं रखा, जो गुरु के विचार थे वो ही उनके आदर्श थे। जब ऐसे संत इस पृथ्वी पर आते हैं तो उनका अवतरण दिवस हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, पर वो कहीं जाते नहीं हैं, अपना स्थूल शरीर छोड़ के और प्रभावशाली बन के हम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। आज भी परम पूज्य छोटे भैया यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। हमने मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, ये जीवन का अंतिम लक्ष्य अपने जीवन को सुख व शांति से व्यतीत करते हुए स्वयं को ईश्वर में लय कर देना है, उनमें मिला देना है, पर इसके लिए हमें अपने इस लोक और परलोक दोनों की इच्छाएं छोड़नी पड़ेंगी। ये नहीं कहते हैं कि संत लोग, गुरु महाराज भी ये नहीं कहते थे कि आप घर छोड़िए, अपनी जिम्मेदारी को छोड़िए और जंगल की तरफ पलायन कर जाइए, क्योंकि ये भी एक ईश्वर की तरफ से दी गई जिम्मेदारी है, इसको भी पूर्ण करना हमारा कर्तव्य है, पर हमें अपना विचार थोड़ा बदलना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि हमें ये कार्य भी अपने गुरु और अपने ईश्वर की इच्छा के पूर्ण करने के लिए ही कर रहे हैं। आन भी में 24 घंटे विचार आते रहते हैं, वो विचारों का समूह है। जब विचार आते हैं तो वो अच्छे भी आते हैं और बुरे भी आते हैं, पर जब ये विचार एक तरफ ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं तो वो विचारों का समूह बन जाता है और वो संगठित हो जाते हैं और ये बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं, इसी को हम विचार शक्ति कहते हैं। परंतु ये अकेले कुछ काम नहीं कर सकते, उसके साथ संकल्प शक्ति का भी साथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि संतों ने बताया है कि हमारे अंतःकरण में, हृदय क्षेत्र में ऊपर की तरफ चित रहता है जहाँ से विचार निकलते हैं, और हृदय और चित के बीच में मन रहता है, वहाँ इच्छा शक्ति रहती है। जब विचार तीव्र होते हैं और इच्छा शक्ति भी तीव्र होती है और विचार शक्ति को लेके चलती है तो वो हमारे मस्तिष्क पर भी प्रभाव डालते हैं और हम उसी के अनुसार कार्य करने लगते हैं। विचार शक्ति इच्छा शक्ति के बिना कोई कार्य नहीं कर सकती और इच्छा शक्ति भी विचार शक्ति के बिना कोई कार्य नहीं कर सकती। पूरा संसार इसी पर चल रहा है, जब तक इसमें उथल पुथल है तो हम लोग दुखी हैं, अशांत हैं और ईश्वर से दूर हैं। ईश्वर के रास्ते पर चलने के लिए हमको इनको शांत करना पड़ेगा और पवित्र करना पड़ेगा। जब ये विचार हमारे अंदर मिलते हैं तो
फिर ये इच्छा शक्ति से मिलकर जब हमारे मस्तिष्क में पहुंच जाते हैं, फिर वो वातावरण में छा जाते हैं। वातावरण में हर एक तरह के विचार हैं, पर जिसको मस्तिष्क को अपने अनुकूल पाते हैं उसी में वो घुस जाते हैं और अपने प्रभाव में लेकर उससे वही कार्य कराने लगते हैं। अच्छे मनुष्यों के अंदर और जो ईश्वर की ओर चल रहे हैं उन मनुष्यों के अंदर ईश्वरीय विचार आते हैं और वही उसको आत्मज्ञान प्राप्त करा देते हैं। एकाग्र चित्त, शांत विचार और अंतःकरण के पवित्र हुए बिना हम आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। पर इसको अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमको वैराग्य और अभ्यास दोनों बहुत जरूरी हैं। अभ्यास किसका? उस साधना का जो किसी संत ने इस मार्ग की तरफ चलने के लिए बताई है। ये तीन स्तर की होती हैं। पहला कहलाता है योग का मार्ग। योग के मार्गी समझते हैं कि ईश्वर हमसे बहुत दूर है और वो उसको प्राणायाम और चक्रवेदन करते हुए ऊपर की तरफ उठते हैं, पर इसमें बहुत समय लग जाता है और रास्ते में साधक को कुछ शक्तियाँ भी मिलती हैं जो सिद्धि कहलाती हैं, जो कि इस मार्ग में बाधक हैं। साधकों को इससे बचना चाहिए, उनको अपने अंतिम लक्ष्य की तरफ ही ध्यान रखना चाहिए। आगे आता है उपासना का मार्ग। ये मन के द्वारा करते हैं, ये हमारे विचारों को मन के अंदर की उथल पुथल को ख़त्म करते हैं। और उसके बाद है ज्ञान का मार्ग, जो कि हमारी बुद्धि और विवेक शक्ति को तीव्र करते हैं, जिससे हमें आत्मज्ञान का प्राप्त होता है। हमारे गुरु महाराज ने इसके लिए जो रास्ता बताया वो उपासना का रास्ता था। जब हम अपने विचारों को अपने अधिकार में कर लेंगे और ईश्वर की ओर में झुका के एकाग्र करके शांत कर लेंगे तो बाकी सब तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। जो इसके लिए उन्होंने साधना बताई है वो बहुत ही शक्तिशाली साधना है। इसको हम बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए और सुबह शाम रोज करनी चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है 23 घंटे आप संसार का काम करें पर आधे घंटे सुबह और आधे घंटे शाम हमारी ये साधना को दे दें, उससे ही आप सब कुछ पा जाएंगे। पर जब हम साधना करें तो ये ध्यान में रख के करें कि गुरु महाराज स्वयं चेतन रूप में वहाँ उपस्थित हैं और जो माया का प्रभाव से कुछ विघ्न आते हैं, जैसे कभी आलस में, कभी गप्पों में और कभी ये सोच के ये साधना हमारे लिए ठीक नहीं है, आन भी साधना नहीं करता है, तो उससे साधक को बचना चाहिए। उसे रोज शाम, सुबह और शाम साधना करनी चाहिए। इसमें अगर विघ्न पड़ता है, किसी दिन का गैप पड़ जाता है तो वो थोड़ा पीछे हट जाता है। परंतु बहुत सारी अवस्थाएं ऐसी होती हैं जो हम अकेले साधना करके नहीं पार कर सकते। उसके लिए गुरु महाराज ने साप्ताहिक सत्संगों का बहुत महत्व बताया है। उन्होंने कहा है साप्ताहिक सत्संग में जब एक ही विचारधारा के सब लोग बैठते हैं तो ऊपर से शक्ति की बरसात होती है और शिष्य के जो भी विघ्न हैं वो उसे दूर हो जाते हैं। इसलिए साधक को साप्ताहिक सत्संगों में जरूर जाना चाहिए, उसका बहुत महत्व है। उसके आगे गुरु महाराज ने बताया है कि 3 महीने में एक बार बड़े भंडारे और सत्संग में जरूर जाना चाहिए। वहाँ जाके आन भी जो प्राप्त कर सकता है उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। और साधक को हमेशा गुरु की याद में रहना चाहिए, इससे वो बहुत सारे विघ्नों से बच जाता है। जब हम ऐसा करेंगे तो हमको देखना पड़ेगा, तो हम स्वयं देखेंगे कि हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आ रहे हैं। जो हम बोझ लेकर चल रहे थे, लोभ, मोह, क्रोध, वासना, वो सब हमारी कम होती जा रही है। हमारा अहंकार भी कम होता जा रहा है, पर एक सूक्ष्म अहंकार इसके बाद साधक को घेर लेता है। वो है स्वयं की प्रतिष्ठा पाने की इच्छा और हम कुछ कर रहे हैं, ये हम सबसे अलग हैं, ये भावना उसके अंदर जागृत हो जाती है
और इसका साधक को पता भी नहीं चलता है कब ये भावना उसके अंदर आ गई। ये गुरु महाराज से प्रार्थना करना चाहिए, वही इस अवस्था से दूर करता है। हमको तो बस ये देखना है कि हम जो गुरु महाराज ने हमें आज्ञाएं दी थी कि हम उस पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, बाकी हमें इसकी चिंता नहीं करनी है कि हमें मोक्ष मिलेगा कि हम किस अवस्था पर हैं। हम बस गुरु महाराज की आज्ञाओं का पालन करते चलें तो हम जीवन की श्रेष्ठता को प्राप्त कर लेंगे, और जो रास्ते में कठिनाइयाँ आएंगी वो गुरु महाराज के आदर्श से दूर हो, गुरु महाराज के आशीर्वाद से दूर हो जाएंगी। हम लोग तो बस नचिकेता की तरह द्वार पर पड़े हुए हैं कि कब गुरु महाराज की हम पर दृष्टि पड़े और ये जीवन सार्थक हो जाए। मेरी उनसे प्रार्थना है कि वो यहाँ उपस्थित सब अपने प्रेमी को आशीर्वाद दें जिससे कि वो उनके बताए हुए आदर्शों और मार्ग पर चल सकें।